बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अलमुनीर हाई स्कूल ई लर्निंग सिस्टम। दिस इज़ योर बायोलॉजी बुक ऑफ क्लास 10। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 12 पार्ट 2, रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। अब क्वेश्चन इज, व्हाट आर रिसेप्टर्स? The organs or parts which are specifically built to detect the particular type of stimuli are called sense organs or receptors. यानी ऐसे organs जो specifically organized हैं वो particular type of stimuli को detect करने के लिए, उनको हम receptors कहते हैं या sense organs कहते हैं. For example, male receptors in man: eyes, ears, nose, taste buds, receptors of touch, heat and cold, etc. यानी through eyes we can see the vision, with stimuli of vision, ears listening, nose related to smell, taste buds related to taste, receptors of touch we can feel the touch, heat, cold. So these are the receptors present in human beings. First of all, we will study about the eye. What is the structure of human eye? अब सबसे पहले हम इसका structure discuss करेंगे, then we will discuss the working. First of all, what is the location of the eye? तो eyes कहाँ locate करती हैं? Eyes are located in the small portion of skull. Eyes are located in the small portion of skull, known as the orbits or eye sockets. तो सबसे पहले था कि आईज की लोकेशन क्या है, ये लोकेट कहाँ पे कर रही है? इन द स्मॉल पोर्शंस ऑफ स्कल। वो स्मॉल पोर्शंस ऑफ स्कल्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और आई सॉकेट्स। नाउ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब आईज, अब यू नो इट, इट इज द सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हाउ वी प्रोटेक्ट और केयर अवर आईज? तो देर फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन देर आर आईलेट्स। आईलेट्स क्या कर रहे हैं? दे वाइप द आईज एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, और दे सेपरेट टीयर्स ऑन आईज विच कंटेन सब्सटेंसेस फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। आईलेट्स क्या कर रहे हैं? एक तो आईज वाइप कर रहे हैं और प्रिवेंट इट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, एंड इनका सेकेंड फंक्शन क्या है? दे सेपरेट टीयर्स ऑन आईज, और टीयर्स जो हैं उनमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। नंबर टू, आईलैशेस। आईलैशेस क्या करते हैं? आईलैशेस प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द आई, यानी कि जो आईलैशेस हैं, जो फाइन पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर हैं, दे प्रिवेंट इट टू एंटर इन टू द आई, यानी कि ये उनको रोकते हैं, प्रिवेंशन का काम करते हैं, सो दैट दे कैन नॉट बी एंटर इन टू द आईज। द स्ट्रक्चर, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, यानी विच लेयर्स आर प्रेजेंट इन द आई। द स्ट्रक्चर ऑफ आई इज डिवाइडेड इन टू थ्री मेन लेयर्स। नंबर वन, आउटर लेयर। आउटर लेयर किस पे डिपेंड कर रही है? स्क्लेरा एंड कॉर्निया पे कंसिस्ट कर रही है। स्क्लेरा क्या है? Sclera gives eye most of its white color. यानी eyes का जो mostly white color है, it is due to sclera. अब ये किससे बना होता है? It consists of dense connective tissue. ये dense connective tissue से बना है and protects the inner components of eye and maintains its shape. Sclera का क्या है? इसकी जो outer layer है, that is sclera and cornea. अब इसके functions क्या है? It protects the inner components of eye and maintain its shape. In the front, sclera forms the transparent cornea. Yani sclera ke front par ek transparent cornea present hoti hai. This transparent cornea kya karti hai? It admits the light to the interior of eye. Yani ki light ko allow karti hai ki wo internal part mein enter ho jaye, और इस इन लाइट रेस को बेंड कर देती है, सो दे दैट दे कैन बी ब्रॉट टू अ फोकस। यानी एक तो अलाउ कर रही है लाइट रेस को टू एंटर इनटू द इंटरनल पार्ट ऑफ द आई, एंड सेकेंडली ये क्या कर रही है?
कि लाइट को बेंड, लाइट रेज को बेंड कर देती है, सो दे कैन बी इजीली फोकस्ड. नंबर टू इज कोराइट, द मिडल लेयर. मिडल लेयर इज कॉल्ड कोराइट लेयर. इट, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इट कंटेन्स, दिस इज मिडल लेयर, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड गिव्स द इनर आई अ डार्क कलर. इसमें क्या है, मिडल लेयर में इट कंसिस्ट ऑफ कोराइट. ठीक है, अब कोराइट क्या है, इट कंटेन्स द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या कर रही हैं, वो इनर आई को एक डार्क कलर दे देती हैं. द डार्क कलर जो है, इट प्रिवेंट्स द डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन आई. यानी डिसरप्टिव में द रॉन्ग रिफ्लेक्शंस जो है विद इन आई को उससे प्रिवेंट कर रही है. बिहाइंड कॉर्निया जो है, यानी ये कॉर्निया है, बिहाइंड कॉर्निया द जो हमारी कोराइड है, इट बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड आयरस. यानी दिस इज कॉर्निया, बिहाइंड कॉर्निया मिडल लेयर यानी कोराइड लेयर बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग. इट बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग, दिस इज कॉल्ड आयरस. ये आप देखिए, इस तरह से एक मस्कुलर रिंग डेवलप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड आयरस. देयर इज राउंड होल कॉल्ड प्यूपिल. ये राउंड होल है जो आयरस के इन बिटवीन प्रेजेंट, इन बिटवीन द आयरस, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल इन द सेंटर ऑफ द आयरस. और आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉर्निया लाइट पासिस थ्रू द प्यूपिल. द साइज ऑफ द प्यूपिल इज एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ द आयरस. अब आयरस मसल उसको कैसे एडजस्ट कर रही है, कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट्स इन ब्राइट लाइट. जब प्यूपिल ब्राइट लाइट में कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, देन क्या होता है, सिलरी मसल्स ऑफ आयरस कॉन्ट्रैक्ट. ब्राइट लाइट जब होती है तो सर्कुलर मसल्स ऑफ आयरस क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट्स करता है. तो सिमिलरली प्यूपिल डायलेट्स इन डिम लाइट. प्यूपिल क्या है, वो डायलेट हो जाता है डिम लाइट में व्हेन रेडियल मसल्स ऑफ आयरस जो हैं दे कॉन्ट्रैक्ट. रेडियल मसल्स ऑफ आयरस क्या कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्यूपिल डायलेट हो जाता है इन डिम लाइट. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ आयरस एंड प्यूपिल. नाउ कॉन्वेक्स लेंस. बिहाइंड आयरस देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इट फोकस द लाइट ऑन रेटिना. तो लेंस इज अटैच्ड टू सिलरी मसल्स ऑफ आई वाया अ रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट. सी हियर, बिहाइंड आयरस देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इट फोकस द लाइट ऑन द रेटिना. ये रेटिना है, इट फोकस द लाइट ऑन रेटिना. And ciliary muscles which are attached to the lens is attached to the ciliary muscles of eye via a ring of suspensory ligaments. ये suspensory ligaments हैं जिनके through जो है lens जो है वो ciliary muscles के साथ attached होता है. To clearly see an object far away, अगर हमने कोई दूर से का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली देखना है, तो उस सूरत में क्या होगा कि सिलरी मसल जो है दे बिकम रिलैक्स और लेंस बिकम कन्वेक्स. लेंस बिकम क्या हो जाएगा, इट बिकम्स लेस कन्वेक्स. जब सिलरी मसल जो है वो रिलैक्स करेंगे तो लेंस जो है वो लेस कन्वेक्स हो जाएगा. और व्हेन सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंस बिकम्स मोर कन्वेक्स एंड राउंड. तो रेटिना जो है, द इनर लेयर, दिस इज द इनर लेयर. द इनर लेयर इज सेंसरी विच इज कॉल्ड रेटिना. इस इनर लेयर को हम कहते हैं रेटिना. तो इट कंटेन्स द फोटो सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड एंड कॉन्स. ये जो रेटिना लेयर है, इट कंटेन्स फोटो सेंसरी सेल्स कॉल्ड रॉड एंड कॉन्स एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स. अब रॉड से है, दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. ये हमारे इनर लेयर के बारे, इट इज सेंसरी एंड इज कॉल्ड एज रेटिना. फोटो सेंसिटिव सेल्स रॉड्स एंड कॉन्स आर प्रेजेंट. एंड रॉड्स क्या है, दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. एंड वाइल कॉन्स जो है, दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट.
and so distinguish different colors. So color distinguish is because of cone cells. और rods जो हैं they are sensitive to dim light. अब retina has two points. Retina में दो point हैं. एक that one is fovea and second is optic disc. Fovea क्या है? If you see in the figure, this is fovea and second point is optic disc. So this is optic disc. Fovea is a dip in retina directly opposite to the lens and is densely packed with cone cells. Fovea kya hai? Retina mein dip hoti hai, lens ke bilkul opposite present hai aur cone cells ke saath densely packed hai and it is largely responsible for color vision and the sharpness. Aur optic disc jo second point hai retina par wo kya hai? Where optic nerve enters the retina, जहाँ से optic nerve retina में, जैसे मैंने आपको पहले figure में बताया था, जहाँ से optic nerve जो है वो retina में enter हो रही है, this is called the point of optic disc. And there are no rods and cones at this point. That is why it is also referred as the blind spot. And अगर आपको exam में ये question आए कि what is the blind spot, तो blind spot ऐसा point है where there are no rod and cone cells or it is a point on retina where optic nerve enters the retina. तो the iris जो है it divide a division of the cavity of an eye. What is division of the cavity of eye? तो iris जो है it divides the cavity of eye into two chambers. अब वो दो चैम्बर क्या है? एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर. एंटीरियर चैम्बर इज इन फ्रंट ऑफ आयरस, दैट इज बिटवीन कॉर्निया एंड आयरस, वेयर एज द पोस्टीरियर चैम्बर इज बिटवीन आयरस एंड रेटिना. अब एंटीरियर चैम्बर में जो है इट कंटेन्स अ क्लियर फ्लूइड. उस क्लियर फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर. और वाइल द पोस्टीरियर चैम्बर जो है इट कंटेन्स अ जेली लाइक फ्लूइड नॉन एज विट्रस ह्यूमर. यानी कि आयरस कैविटी को हमने किस में डिवाइड कर दिया? दो चैम्बर्स में. कौन कौन से? एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर. अब एंटीरियर चैम्बर कहाँ पे प्रेजेंट है? इन फ्रंट ऑफ द आयरस. और पोस्टीरियर चैम्बर कहाँ प्रेजेंट है? इन बिटवीन आयरस एंड द रेटिना. पोस्टीरियर चैम्बर में क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इट इज नॉन एज एक्वस ह्यूमर. जबकि पोस्टीरियर चैम्बर में जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट है एंड इट इज नॉन एज विट्रस ह्यूमर. तो इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंड्स द डेलिकेट लेंस. तो इस जेली लाइक फ्लूइड का क्या काम करता है? इट हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंड्स द डेलिकेट लेंस. अब now we will study the working of an eye. Light from the object enters the eye. किस तरह से हम देख सकते हैं? How we can see? Light from the object enters the eye and is refracted. सबसे पहले क्या होता है? Light जो है वो आई के अंदर एंटर हो रही है, उसको रिफ्रेक्ट कर दिया जाता है. कब रिफ्रेक्ट होती है? व्हेन इट पासेस थ्रू कॉर्निया एक्वस ह्यूमर लेंस एंड विट्रस ह्यूमर. तो लेंस क्या करता है? लेंस आल्सो फोकसेस द लाइट ऑन रेटिना. एज अ रिजल्ट द इमेज फॉल्स ऑन रेटिना. रॉड एंड कॉन सेल्स क्या करते हैं? दे जनरेट नर्व इम्पल्सेस इन द ऑप्टिक नर्व एंड दीज इम्पल्सेस आर कैरी टू द ब्रेन विच मेक्स द सेंसेशन ऑफ द वेयर. ये है फंक्शनिंग ऑफ द आई. ह्यूमन आई किस तरह से ह्यूमन आई फंक्शन कर रही है? यहाँ पर आप हेडिंग पॉइंट आउट कर लें, फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन आई. यानी कि ह्यूमन आई में सबसे पहले लाइट एंटर होती है इन द आई, उसको रिफ्रेक्ट कर दिया जाता है. रिफ्रेक्ट कब होती है? जब वो कॉर्निया से पास ऑन होती है, एक्वस ह्यूमर से गुजरती है, देन लेंस एंड देन फ्रॉम विट्रस ह्यूमर. लेंस क्या करता है? इट ऑल्सो फोकस द लाइट ऑन द रेटिना. फिर एज अ रिजल्ट क्या होता है? रेटिना पर इमेज बनता है
और रॉड एंड कॉन सेल्स क्या करते हैं, वो नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं ऑप्टिक नर्व में और विच इज कैरी टू द ब्रेन एंड मेक्स द सेंसेशन ऑफ द वियर. नाउ द क्वेश्चन रोडोप्सिन. व्हाट इज रोडोप्सिन? रॉड्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन. When light falls on rhodopsin, it breaks for generating a nerve impulse. यानी rod cells के अंदर एक pigment present होता है, rhodopsin. उस pigment को हम कहते हैं rhodopsin. Rhodopsin क्या करता है कि जब light उसके ऊपर light rays जो है, when falls on the rhodopsin pigment, तो it breaks. वो pigment breakdown होता है to generate a nerve impulse. तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आर अगेन कन्वर्टेड इनटू रोडोप्सिन. यानी जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती देन वो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगेन कन्वर्टेड बैक इनटू रोडोप्सिन पिगमेंट. तो बॉडी सिंथेसाइजेस रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए. यानी कि ये रोडोप्सिन जो पिगमेंट है ये किससे सिंथेसाइज हो रहा है, बॉडी जो है वो इसे ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज कर रही है फ्रॉम विटामिन ए. एंड दैट इज व्हाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉसेस पुअर नाइट विजन. हम कहते हैं ना कि इसको नाइट रात में कम नजर आता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. क्योंकि थ्रू विटामिन ए जो है वो बॉडी रोडोप्सिन पिगमेंट को सिंथेसाइज कर रही होती है. और जब विटामिन ए प्रॉपर क्वांटिटी में सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता तो इट कॉसेस द पुअर नाइट विजन. तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस. हम इस प्रॉब्लम को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं. इसमें आप अपने पॉइंट्स हाईलाइट कर लें क्या है, व्हाट इज रोडोप्सिन एंड व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस या हाउ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉसेस नाइट ब्लाइंडनेस. Now, iodopsin. What is mean by iodopsin? And how it is involved in color blindness? पहले तो हमने पढ़ा था night blindness. Now we will study color blindness. Cones also contain a pigment known as iodopsin. There are three main types of cones, and each type has a specific iodopsin. यानी cones के अंदर एक pigment होता है. This is called iodopsin. अब देर आर थ्री मेन टाइप ऑफ कॉन्स. ईच टाइप हैज अ स्पेसिफिक आइडोप्सिन. हर टाइप ऑफ कॉन सेल्स में एक स्पेसिफिक आइडोप्सिन प्रेजेंट होता है. एंड ईच टाइप ऑफ कॉन्स रिकग्नाइज वन ऑफ द थ्री प्राइमरी कलर्स, ब्लू, ग्रीन एंड रेड. अगर इफ एनी टाइप ऑफ कॉन इज नॉट वर्किंग वेल तो इट बिकम्स difficult to recognize that color. So such person is also not able to distinguish different colors, and this disease is called color blindness and it is a genetic problem. Color blindness basically genetic problem hai kyunki jo hamari body mein already cone cells present hai they have specific iodopsin aur each type of jo cone hai wo recognizes three primary colors, blue, green and red. अगर कोई इफ एनी टाइप ऑफ कॉन है, अगर इसमें से कोई भी कॉन सेल जो है वो अपना प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो अ पर्सन अ मैन हु हैज अनफंक्शनिंग ऑफ एनी कॉन सेल तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज दैट कलर. तो सच पर्सन इज ऑल्सो नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स और दिस डिजीज इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस. तो इस डिजीज को हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं. फॉर अ पायलट कलर विजन इज एसेंशियल. एक पायलट के लिए सब कलर विजन जो है इट इज सो एसेंशियल बिकॉज ही या शी कैन रिकग्नाइज एयरक्राफ्ट पोजिशन लाइट्स, लाइट गन सिग्नल्स, एयरपोर्ट बीकन, अप्रोच स्लोप, इंडिकेटर्स एंड चार्ट सिंबल्स स्पेशली एट नाइट. अ पायलट मस्ट हैव द एबिलिटी टू परसीव दीज कलर्स नेसेसरी फॉर द सेफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज या हर ड्यूटीज. तो एक पायलट के अंदर जो है कलर विजन इज वेरी एसेंशियल क्योंकि वो बिकॉज बाय द कलर ऑफ द लाइट्स वो अपने डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं वो और इंडिकेटर्स को रिकग्नाइज करता है. नाउ व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द आई. द वर्किंग ऑफ आई इज इफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द शेप ऑफ आई बॉल. यानी कि जब आई बॉल की शेप चेंज होती है तो वर्किंग ऑफ द आई इज ऑल्सो इफेक्टेड. नंबर वन मायोपिया, शॉर्ट साइट. द एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल रिजल्ट इन मायोपिया. यानी अगर आई बॉल जो है वो
अपनी नॉर्मल लेंथ से लॉन्ग हो जाता है, देन देर इज इट रिजल्ट्स इन मायोपिया. मायोपिया क्या है कि द पर्सन्स विच आर हैविंग मायोपिया दे आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. उनको मतलब डिस्टेंट मीन द फार अवे ऑब्जेक्ट्स, दे कैन नॉट सी द फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. तो इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड बाई यूजिंग कनकेव लेंस. यानी इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया तो उसका जो प्रॉब्लम है किस तरह से रिजॉल्व हो सकता है, बाई यूजिंग द कनकेव लेंस. नंबर टू, हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइट. इट हैपन्स व्हेन आईबॉल शॉर्टेंस. मायोपिया कब हो रहा है, व्हेन आईबॉल इलोंगेट. हाइपरमेट्रोपिया कब हो रहा है, व्हेन आईबॉल शॉर्टेंस. तो सच पर्संस आर नॉट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली और द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. तो कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज होता है टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम. तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या यूज हो रहा है, कन्वेक्स लेंस. मायोपिया के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कनकेव लेंस. तो दीज वर द डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन आई. Now, what are the contributions of Muslim scientists in about the structure of eye and treatment of various ophthalmic diseases? Number first, Ali ibn Isa. Ali ibn Isa, inka jo lifetime period tha, that was 950 to 1012, was a famous Arab scientist. He wrote three books on ophthalmology, yani study of the, what is ophthalmology? ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, द स्टडी ऑफ द डिजीज एंड सर्जरी ऑफ द आईज. व्हाट इज ऑप्थेल्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ द डिजीजेस एंड सर्जरी ऑफ द आईज इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी. ही डिस्क्राइब्ड 130 आई डिजीजेस एंड प्रेस्क्राइब्ड 143 ड्रग्स टू ट्रीट दीज डिजीजेस. इब्न हज़म, नंबर टू इब्न हज़म, इनका लाइफ की टाइम पीरियड था 965 टू 1039. एक अरब साइंटिस्ट थे. ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आई एंड विजन. ही वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स. ये आप हाईलाइट कर लें, हु वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स, इब्न हज़म. ऑप्टिक्स, वट इज ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट. अब यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ऑप्थेल्मोलॉजी की. नाउ देयर इज डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट. हिज बुक ऑप्टिक्स करेक्टली एक्सप्लेन एंड प्रूव द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वीयर. और ही डिस्कस्ड द टॉपिक्स ऑफ मेडिसिन एंड आई सर्जरी इन हिज बुक. ही मेड सेवरल इम्प्रूवमेंट्स टू आई सर्जरी एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ साइट, द स्ट्रक्चर ऑफ आई, इमेज फॉर्मेशन इन आई एंड विजुअल सिस्टम. इब्न हज़म आल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ पिनहोल कैमरा. इब्न हज़म बुक ऑफ ऑप्टिक्स हैज बीन रैंक अलोंगसाइड अ बुक ऑफ आइज़क न्यूटन. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स. आउल इज नॉट एबल टू सी ड्यूरिंग द डे टाइम. व्हाई, द रीज़न फॉर दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्न्स. आपको पता ही ना कि अगर not able to see during daytime है because there is deficiency of cones which receive and sense the bright light. But the presence of more rods give its greater power of vision during night. So all animals that search for prey during night have this characteristics. Now our next topic is hearing. Hearing is as important as vision. Now, what is the function of ear? Our ear helps us in hearing and also to maintain the balance or equilibrium of our body. यानी कि हमारा ears जो हैं, they are not performing the function of hearing. They also maintains or the balance or equilibrium of our body. How? We will study it after the after study structure of human ear. Ear has three main parts, external ear, middle ear and internal ear. First, external ear. External ear consists of pinna, auditory canal and eardrum, also called
टिम्पेनम. बट पिन्ना, पिन्ना क्या है? पिन्ना इज द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट. पिन्ना इज द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन. यानी कि जो हमारा आउटर एक्सटर्नल एयर पार्ट होता है वो पिन्ना है, ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट. इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद द स्किन. इट हेल्प्स टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल्स. इसका फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स टू साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल. देयर आर स्पेशल ग्लैंड्स इन द वॉल्स ऑफ ऑडिटरी कैनाल. नाउ ऑडिटरी कैनाल क्या है? इट इज द नेक्स्ट पार्ट टू द पिन्ना एंड इट इज there are special glands present in the walls of auditory canal which produce wax and the hairs in auditory canal protects ear from small insects, germs and dust. Pinna, iska structure kya tha? It is made up of cartilage and covered with the skin. What is the function of the pinna? Ki it directs the sound waves into auditory canal. अब ऑडिटरी किनाल का स्ट्रक्चर क्या है कि इट हैज स्पेशल ग्लैंड्स इन द वॉल्स ऑफ ऑडिटरी किनाल एंड हेयर्स. अब वो ग्लैंड्स क्या हैं? दे प्रोड्यूस वैक्स. अब जो वैक्स एंड हेयर्स हैं प्रेजेंट इन ऑडिटरी किनाल, दे प्रोटेक्ट द एयर फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट, जर्म्स एंड डस्ट. इन एडिशन टू दिस, दे मे हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी किनाल. क्या करते हैं डिशन टू दिस? दे हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर और डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल. यानी कि ऑडिटरी कैनाल के अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहे हैं और डैम्पनेस को भी मेंटेन कर रहे हैं. ऑडिटरी कैनाल एंड्स इन ईयर ड्रॉप. दिस थिन मेम्ब्रेन सेपरेट्स द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर. दिस इज ईयर ड्रॉप. इट सेपरेट्स द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर. This is pinna, external part, and this is auditory canal. Now, middle ear. Middle ear is a chamber after the external ear. Three small bones called middle ear ossicles are present in a chain in middle ear. Three small bones. They are present in a chain in a malleus, incus, and stapes. These movable bones include malleus, incus, and stapes, and malleus. Malleus is attached with eardrum. Malleus is attached with eardrum. That is, there then comes incus and finally stapes. That is connected with the membrane called oval window. Yani then comes That is incus. Yani malleus ke baad incus. Incus ke baad stapes. Stapes kya hai? It is connected with the oval window. ओवल विंडो क्या है? इट सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द इनर ईयर. और मिडल ईयर ऑल्सो कम्युनिकेट्स विद द नेजल कैविटी थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब. दिस इज मिडल ईयर. इट ऑल्सो कनेक्टेड विद द नोज थ्रू यूस्टेचियन. दिस इज मिडल ईयर ऑल्सो कनेक्टेड विद थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब. दिस ट्यूब रेगुलेट्स द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम. यानी ईयर ड्रम के दोनों साइड पे, इंटरनल साइड पर भी और एक्सटर्नल साइड पर भी प्रेशर को, एयर प्रेशर को मेंटेन रखती है. नाउ इनर एयर. इनर एयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स: वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कॉक्लिया. दिस इज वेस्टिब्यूल, दीज आर सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड दिस इज कॉक्लिया. वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ इनर एयर. Three canals called semicircular canals are posterior to the vestibule. Yeah. The cochlea is made up of three ducts and wrap itself into a quiet tube. Ye cochlea hai. Theek hai? It is made up of three ducts which are wrapped itself into a quiet tube and sound receptor cells are present within the middle duct of कॉक्लिया. यानी इसी इसकी मिडल डक्ट के अंदर साउंड रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. नाउ द प्रोसेस ऑफ हियरिंग. किस तरह से वी कैन लिसन टू द साउंड वेव्स? पिन्ना ऑफ द एक्सटर्नल ईयर
एज वी टेल यू बिफोर के वो फोकस कर रहा है और डायरेक्ट करता है साउंड वेव्स को इनटू ऑडिटरी कैनाल. द साउंड वेव्स स्ट्राइक द ईयर ड्रम एंड प्रोड्यूस वाइब्रेशंस इन इट. यानी जब साउंड वेव्स ईयर ड्रम के पास जाती हैं तो दे क्रिएट वाइब्रेशन इन द ईयर ड्रम. फ्रॉम ईयर ड्रम द वाइब्रेशंस जो हैं स्ट्राइक द मिडल ईयर एंड प्रोड्यूस फर्दर वाइब्रेशन इन मेलियस इनकस एंड देन स्टेपिस. ये वाइब्रेशन जो हैं जब वो मिडल ईयर में जाती हैं तो वो वाइब्रेशन वहाँ पर थ्री बोन्स मिडल ईयर में प्रेजेंट हैं, मेलियस इनकस एंड स्टेपिस, वो उनमें भी वाइब्रेशन क्रिएट कर देती हैं. फ्रॉम स्टेपिस जो हैं वाइब्रेशन स्ट्राइक द ओवल विंडो एंड देन रीच द फ्लूइड फिल्ड मिडल डक्ट ऑफ द कॉक्लिया. ओवल वाइब्रेशन जो है वो देन ओवल विंडो को स्ट्राइक करती है और उसके बाद मिडल डक्ट ऑफ कॉक्लिया में पहुंच जाती हैं. अब फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया क्या करता है, वो मूविंग करता है, इट स्टार्ट मूविंग, यानी वो मूव्ड हो जाता है एंड रिसेप्टर सेल्स जो हैं दे आर स्टिमुलेटेड. रिसेप्टर सेल्स क्या है, जनरेट नर्व इम्पल्स विच ट्रेवल थ्रू द ब्रेन एज एंड एज इंटरप्रेटेड एज साउंड. Now soundless word. Deafness is a state in which hearing is not possible. The defect of eardrum, cochlea, middle ear ossicles or auditory nerve may cause deafness or infection in the Eustachian tube may suppress middle ear too. The eardrum may be damaged by an infection in auditory canal, excessive noise, strong blows on cheek, pointed object, entering auditory canal and attack from insects may also affect the hearing. Now the question is how ears maintain the balance of a body. Yeah, explain the role of ear in maintenance and balance. Semicircular canals and vestibule help to maintain the balance of body. Yani jo semicircular canals hain and vestibule hain present in middle ear, they help to maintain the balance. Ab kaun se inner ear is responsible for the body balance. How? Semicircular canals contain sensory nerves which can detect any movement of head. Vestibule can detect any changes in the posture of body. Vestibule kya kar raha hai? They can detect in any change in the posture of body, while semicircular canals jo hain, they detect any movement of the head. So the neurons coming from these two receptors reach cerebellum through the auditory nerve. A thunderstorm is characterized by the presence of lightning and a thunder. The lightning is caused by an electrical charge due to the movement of water droplets or crystals carried by the wind. So the sudden increase in pressure and temperature from lightning produces rapid expansion of the air. So this expansion of air produces a sound of thunder. The flash of lightning is followed after some seconds by a roar of thunder. This time difference is due to the fact that sounds travel slower than the light. To which part of air the tympanum belongs? External ear. Tympanum belongs to the external ear. Now, endocrine system. What is endocrine system? The activities such as growth, reproduction, maintenance of glucose concentration in the blood, reabsorption of water in the kidneys, etc. needs to be regulated. Yani jitni bhi hamari body mein ye activities ho rahi hain, they needs to be regulated. Regulated mean ke our body can system jo hai wo properly functioning kar sake, not more than the requirement and not less than the requirement. So endocrine system jo hai, it performs this job. This system, ye kis tarah se ye job perform karta hai? By using the chemicals to communicate with its effectors. These chemicals kya karte hain? They are known as hormones. What is a hormone? A hormone is a specific messenger molecule synthesized and secreted by an endocrine gland. Hormone kya hai? Ye ek specific messenger molecule hai which is synthesized and secreted by the endocrine gland. These glands are ductless and release their secretions directly into the blood stream. Yani ki ye jo endocrine system hai ye ductless hota hai और हर ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर
रिलीज कर देता है. ब्लड कैरीज द हार्मोन्स टू टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज अपॉन विच दे हैव टू एक्ट. मेनी ग्लैंड्स इन आवर बॉडी आर एक्सोक्राइन. सच ग्लैंड्स हैव डक्ट्स फॉर रिलीजिंग देयर सीक्रेशन. फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, स्किन ग्लैंड्स एक्सेट्रा. द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन मेनी एनिमल्स इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स. लाइफ एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन इन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स. हार्मोन्स ऑल्सो कंट्रोल एक्टिविटीज लाइक माइग्रेशन इन बर्ड्स. हार्मोन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इवन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नाउ व्हाट आर इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नंबर वन पिट्यूटरी ग्लैंड. इसका स्ट्रक्चर क्या है? इट इज पी शेप्ड ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन. इट इज अ पी शेप्ड ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन. यानी इसकी शेप और लोकेशन क्या है? इट इज पी शेप्ड ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन. मेनी हार्मोन्स ट्रॉफिक हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सीक्रेशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. However, some hormones of this gland act directly on various tissues of the body. There are two lobes of pituitary gland, anterior lobe and posterior lobe. Yani hormones isme jo hain wo trophic hormones jo hain ye other hormones ko bhi affect kar rahe hain. Ab there are two lobes of pituitary gland, anterior lobe and posterior lobe. एंटीरियर लोब क्या करती है? इट प्रोड्यूसेस मेनी हार्मोन्स. वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट हार्मोन इज सोमैटोट्रोफिन. सोमैटोट्रोफिन क्या है? इट इज अ ग्रोथ हार्मोन. इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी. इफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज डिमिनिश्ड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज तो द रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? इट डिक्रीजेस. दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म. यानी कि आपकी प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ नहीं होती है एंड जो बॉडी है वो आपकी हाइट प्रॉपरली डिवेलप नहीं होती. दैट इज और इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म. इफ दिस हार्मोन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्रोइंग एज. अगर ग्रोइंग एज में ये एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो तो इट लेड्स टू जाइगेंटिज्म. यानी वेरी टॉल एंड ओवरवेट. इफ सोमैटोट्रोफिन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड आफ्टर द ग्रोइंग एज. यानी अगर ये ग्रोइंग एज के बाद भी एक्सेसिवली प्रोड्यूस होता रहे तो इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज अलोन ग्रो लार्ज. तो दिस कंडीशन इज नोन एज एक्रोमेगाली. यानी ये तो पहले तो ये था कि अगर इसका ड्यूरिंग ग्रोइंग एज अगर हार्मोन ग्रोथ कम हो तो कंडीशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म. यानी आपकी हाइट भी वेरी शॉर्ट होगी और आप लेसर वेट होगा. अगर ड्यूरिंग ग्रोइंग और एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड हो तो यू बिकम वेरी डल एंड ओवरवेट. और इफ सोमैटोट्रोफिन जो है आफ्टर द ग्रोइंग एज जो है एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड हो देन इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज अलोन जो है वो इट बिकम्स ग्रो लार्ज. इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्रोमेगाली. सच पर्संस विल हैव लार्ज हैंड फीट एंड जॉ बोन्स. Another important hormone secreted by the anterior lobe of pituitary gland is thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone क्या करता है? It stimulates the thyroid gland to secrete its hormone. The remaining hormones of anterior lobe influence the reproductive organs and also control the adrenal glands. Now, posterior lobe. यानी हमारी जो anterior lobe से two important hormones हैं somatotrophin है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाउ पोस्टीरियर लोब. द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड सीक्रेट्स टू हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. वेसोप्रेसिन क्या है? एंटी डायुरेटिक हार्मोन. दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस यानी अ पार्ट ऑफ द ब्रेन. यानी कि जो हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन है ये वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है. वेसोप्रेसिन क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन? वेसोप्रेसिन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन्स. यानी कि वेसोप्रेसिन जब हार्मोन ब्लड में रिलीज होता है तो हमारे नेफ्रॉन्स यानी हमारी किडनी में रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर रेट बढ़ जाता है. व्हेन वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स वेसोप्रेसिन and so more reabsorption of water occurs from nephron into the blood. In this way kya hota hai? Body retains the water and less amount of urine is produced.
बॉडी के अंदर जो है वो अपना वाटर जो है वो दोबारा से रीगेन कर लिया जाता है और हमारी जो यूरिन जो है उसकी अमाउंट कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन बॉडी फ्लूइड्स हैव मोर देन नॉर्मल वाटर, यानी हमारे बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएंगे तो देर इज़ डिक्लाइन इन द सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन। तो इफ पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सिक्रीट दिस हार्मोन इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द नेफ्रॉन एंड देर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपाइडस। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जब हमारे जो थ्रू नेफ्रॉन जो है वाटर रीअब्सॉर्प्शन ना हो रहा हो तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपाइडस। नंबर टू हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, इट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल्स इन मदर्स फॉर चाइल्ड बर्थ, यानी कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल्स जो है इट इज़ बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन और इट इज सिक्रीटेड बाय द हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, यानी मदर फीड के लिए भी दिस हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू थायराइड ग्लैंड, दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। थायराइड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इट इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन, इसकी लोकेशन क्या है, नेक रीजन में प्रेजेंट है बिलो लेरिंग्स एंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन थायरोक्सिन। आयोडीन जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। इफ अ पर्सन लैक्स आयोडीन इन डाइट थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक इट्स हार्मोन। इन दिस कंडीशन थायराइड ग्लैंड इन नार्जिट एंड दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड गोइटर, यानी कि आयोडीन जो है वो दिस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एक इंसान की डाइट में आयोडीन लैक कर रहा है तो क्या होता है कि ये हार्मोन जो है वो अपनी प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं बनता और उस सूरत में क्या होता है थायराइड ग्लैंड जो है उसका साइज बढ़ जाता है और दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड द गोइटर। अवर गवर्नमेंट इनकरेजेस द सॉल्ट रिफाइनर्स टू ऐड आयोडीन टू द सॉल्ट, इट ऑल्सो इनकरेजेस द पीपल टू चूज दिस आयोडाइज्ड सॉल्ट। नाउ थायरोक्सिन क्या है, इट इंक्रीजेस द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है उसको भी बढ़ा रहा है एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, यानी थायरोक्सिन जो है वो हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी गेन कर सके। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म जो है इज कॉज्ड बाय द अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। इट इज करेक्टराइज्ड बाय लो एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी एंड स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट। हाइपरथायरॉयडिज्म जो है इट इज कॉज्ड बाय द ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, यानी कि जब थायरोक्सिन हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो उस सूरत में आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज कर जाएगी, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग एंड शिवरिंग ऑफ द हैंड्स, ये इसके हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अनदर हार्मोन कॉल्ड कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम आइंस इन द ब्लड, यानी कि हमारी ब्लड में कैल्शियम आइंस के लेवल को कम करता है एंड प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इन टू बोन्स और ज़्यादा से ज़्यादा बोन्स के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहा है। नाउ पैराथायराइड ग्लैंड्स, नंबर थ्री इज पैरा, व्हाट आर पैराथायराइड ग्लैंड्स, दीज आर फोर ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नॉन एज पैराथार्मोन, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम आइंस इन द ब्लड। इसमें पैराथायराइड हार्मोन से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होता है, पैराथार्मोन, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम आइन इन द ब्लड। When there is increased production of parathormone, more than normal calcium salts are absorbed from the bones and added to the blood. Consequently, the bones become brittle. यानी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा bones जो है वो normal calcium salt जो है वो blood में add होंगे
तो इससे क्या होगा कि बोन्स बिकम्स ब्रिटल, यानी बोन्स बिकम वीकर इफ देयर इज डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पैराथार्मोन. ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स, इट लेड्स टू टेटिनाई विच अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स. कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड. टेटिनाई, वट इज टेटिनाई? टेटिनाई इज मार्क्ड बाई शार्प फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड एंकल ज्वाइंट्स, मसल ट्विचिंग, क्रैम्प्स एंड कन्वल्जन. इट इज ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल विच मेक्स द नर्व्स एंड मसल्स मोर एक्साइटेबल. नंबर फोर, वट आर एड्रीनल ग्लैंड्स? टू एड्रीनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड अबव द किडनीज. ईच एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेड्यूला. अब एड्रीनल मेड्यूला सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड एपिनेफ्राइन और एड्रीनालिन. यानी जो एड्रीनल मेड्यूला है ये प्रोड्यूस कर रहा है हार्मोन कॉल्ड एपिनेफ्राइन और एड्रीनालिन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. यानी जब हमें बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस फील करते हैं तो एड्रीनल मेड्यूला जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रीनालिन. वो क्या करता है? इट प्रिपेयर्स अवर बॉडी टू ओवरकम द इमरजेंसी सिचुएशन. देयरफॉर एड्रीनालिन इज आल्सो टर्म्ड एज इमरजेंसी हार्मोन. अब एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स. यानी जो एड्रीनल मेड्यूला है तो एड्रीनालिन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है. एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या करता है? इट सिक्रीट्स मेनी हार्मोन कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स. कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स क्या करते हैं? दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द ब्लड. व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस फियर, एंगर और एंजाइटी, द रेट एंड इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ब्लड फ्लोस टू द लिम्स इंक्रीजेस एंड ब्लड फ्लो टू द एलिमेंट्री कैनाल एंड स्किन इज रिड्यूस. तो सच चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी टू फेस एनी एमरजेंसी सिचुएशन. नंबर फाइव, पैनक्रियास. दिस ऑर्गन हैज टू फंक्शंस एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स हार्मोन्स. द मेजर पार्ट ऑफ पैनक्रियास इज अ डक्टेड, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड है. यानी इट इस प्रॉपर डक्ट्स के थ्रू जो है इसकी सिक्रीशंस रिलीज होती हैं. दिस पोर्शन सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स थ्रू अ डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सम पोर्शंस ऑफ पैनक्रियास सर्व एज डक्टलेस इंडोक्राइन. यानी इसका मेजर पार्ट तो डक्टेड है बट कुछ पोर्शन इसका डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर सर्व करता है. वो किस तरह? दिस पोर्शन कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स referred to as islets of Langerhans. These islets secrete two hormones, insulin and glucagon. Glucagon influences the liver to release glucose in blood. यानी glucagon hormone क्या कर रहा है? वो liver को influence कर रहा है to release glucose hormone in the blood, so the blood glucose concentration rises. And insulin क्या करता है? Insulin influences the liver to take excess glucose from the blood and so the blood glucose concentration falls. तो if a person's pancreas does not make the normal quantity of the insulin, the blood glucose concentration rises and we say that the person has diabetes mellitus. Persons with diabetes have loss of body weight, weakening of the muscles and tiredness. The disease can be controlled by insulin administration. Formerly, insulin extracted from animals was used for this purpose. But now, human insulin produced from bacteria through genetic engineering is also available. So, the blood glucose concentration is maintained at the rate of 80 to 120 mg per 100 ml of blood. इस टेबल के अंदर आप देखें तो इसमें मेंशन है ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 8 टू 10 आवर्स फास्टिंग. यानी फास्टिंग में आपका क्या है? 70 to 99 mg per 100 ml इज नॉर्मल. फ्रॉम 100 to 125 इज प्री डायबिटिक. फ्रॉम 126 per 100 ml और अबव इज डायबिटिक. ब्लड ग्लूकोज 2 hours आफ्टर अ 75 g ग्लूकोज ड्रिंक. तो अगर लेस देन 140 है तो इट मीन्स नॉर्मल. From 140 to 200 pre-diabetic, over 200 diabetic. The amount of glucose in blood is measured by this test. यानी what is blood glucose concentration test या BGC test?
So the amount of glucose in the blood is measured by this test and it is used to diagnose the diabetes. Blood glucose may be measured on a fasting basis collected after an 8 to 10 hour fast, randomly anytime and after a meal. These results of some BGC tests are given here. Number 6, gonads. Testis, singular iska, testis. And ovaries are the male and female reproductive organs, that is gonads. In addition to producing gametes, gonads also secrete hormones called sex hormones. Testes secrete hormone, for example, testosterone, which is responsible for the development of male secondary sex characters such as growth of hair on face and coarseness of voice. और ovaries क्या करते हैं? They secrete estrogen and progesterone hormone, which are responsible for the development of female secondary characters such as development of breast, etc. Now feedback mechanism. What is feedback mechanism? Endocrine glands do not secrete their hormones at a constant rate. जितने भी endocrine glands हैं, do not secrete their hormone at a constant rate. The rate varies with the needs of the body. Like many other functions in the body, the secretion of hormones is also regulated by feedback mechanism. Feedback mechanism means, a feedback mechanism kya hai? It means regulation of a process by the output of the same process. Yani ki iski output ko ek process ke through maintain karna, this is called फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म की दो टाइप्स हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. अब व्हाट हैपेंस इन नेगेटिव फीडबैक? द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेस और इनहेबिट्स द प्रोसेस. यानी कि जब किसी प्रोसेस की आउटपुट डिक्रीज कर हो जाती है और इनहेबिट्स द प्रोसेस, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक. इस मैकेनिज्म में इट वर्क्स टू रिटर्न अ कंडीशन टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू. यानी इसमें इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है नॉर्मल वैल्यू तक बॉडी को लाने की ट्राई की जाती है. फॉर एग्जांपल, व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस, जब बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो राइज कर देती है, तो क्या होता है? पैनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन टू absorb the glucose molecules from the blood. So it decreases the blood glucose concentration. Decline in blood glucose concentration to a normal set point inhibits the secretion of insulin. Yani blood glucose concentration ko normal point tak set karne ke liye body inhibit karti hai insulin secretion ko. Similarly, जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल से बिलो ड्रॉप कर जाती है, तो पैनक्रियास सिक्रीट करता है ग्लूकागोन हार्मोन. ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? वो ब्लड ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा देता है, उसको राइज कर देता है. इन दिस केस, राइज इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट इनहेबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन. इन अदर वर्ड्स, द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है आउटपुट यानी कंट्रोल्स द प्रोसेस दैट इज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. यानी कि किसी नेगेटिव फीडबैक क्या है कि एक आउटपुट जो है एक प्रोसेस की, जब आउटपुट कम हो जाती है और दूसरे प्रोसेस को वो इनहेबिट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द टू गेन द नॉर्मल वैल्यू, तो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक. अब नाउ व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक? द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस. यानी कि किसी भी प्रोसेस के थ्रू जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो क्या करते हैं? रेट ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन इन मदर. यानी जब एक इन्फेंट का सकलिंग एक्शन जो है वो क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है मदर्स में प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन. दिस हार्मोन वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. मोर सकलिंग leads to more hormone, which in turn leads to more milk production. यानी जितनी ज़्यादा सकलिंग होगी उतना ज़्यादा milk production होगा. Now what are the disorders of the human nervous system?
Disorders of the human nervous system can be categorized into two main types: vascular disorder, for example paralysis, and functional disorders, for example epilepsy. So vascular disorders are due to any disturbance in the blood supply to the नर्वस सिस्टम. वेस्कुलर डिसऑर्डर्स कब होते हैं? जब किसी भी नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ना हो. और फंक्शनल डिसऑर्डर्स कब हो रहे हैं? दे आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन. यानी कि जब प्रॉब्लम हो नर्व इम्पल्स जनरेशन और ट्रांसमिशन में, तब क्या होगा? फंक्शनल डिसऑर्डर होगा, फॉर एग्जाम्पल एपिलेप्सी. और वेस्कुलर डिसऑर्डर कब होगा? जब किसी भी नर्वस सिस्टम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्रोवाइडेड नहीं होगी. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्कुलर डिसऑर्डर यानी पैरालिसिस. पैरालिसिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स. इट इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. द डैमेज मे बी ड्यू टू स्ट्रोक यानी रप्चर इन अ ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड क्लॉटिंग इन दीज ब्लड वेसल्स, और पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय द पोलियो वायरसेस. यानी कि ये कब हो रहा है? जब नर्वस सिस्टम जो है वो किसी भी तरह से डैमेज हो. डैमेज कैसे हो सकता है? स्ट्रोक, यानी कि जब ब्लड वेसल को रप्चर हो जाए और ब्लड क्लॉटिंग हो जाए ब्लड वेसल्स में, या कोई पॉइजन जो है वो पोलियो वायरस के थ्रू प्रोड्यूस हो जाए. Patients may have weak paralysis throughout his or her body or have paralysis in one side of the body. There may also be paralysis in the lower extremities or in all four limbs. Yani paralysis sirf lower extremities mein bhi ho sakta hai, all four limbs mein bhi ho sakta hai, or just one side bhi ho sakta hai. Now what is epilepsy? Epilepsy is a nervous disorder in which there is abnormal and excessive discharge of nerve impulses in brain. यानी कि ये this is functional order. Functional order कब होता है? जब abnormal या excessive discharge हो जाए nerve impulses का. It cause, अब ये क्या करता है, इससे क्या होता है? Unprovoked seizure in patients. क्या होते हैं? Unprovoked seizures प्रोड्यूस होते हैं पेशेंट में. सीजर ऑफ एपिलेप्सी क्या है? इज अ टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन मार्क्ड बाय कन्वल्जन. सीजर ऑफ एपिलेप्सी में क्या होता है? एक ब्रेन की एबनॉर्मल स्टेट क्रिएट हो जाती है विच इज मार्क्ड बाय द कन्वल्जन. यानी कि ये टेम्परेरी होती है, इट इज़ नॉट परमानेंटली. टेम्परेरीली जब एक आपको जो है अनप्रोवोक्ड सीजर जो है वो पेशेंट में प्रोड्यूस होते हैं. और कब होते हैं? जब बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इंपल्सेस हो. इन यंगर पीपल एपिलेप्सी मे बी ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉसेस. और इन पीपल ओवर 40 इयर्स एज ब्रेन ट्यूमर्स आर मोर लाइकली टू कॉज एपिलेप्सी. हेड ट्रॉमा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस मे कॉज एपिलेप्सी एट एनी एज. यानी कि जो हेड ट्रॉमा यानी हेड इंजरीज हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस हैं, वो किसी भी एज में एपिलेप्सी को कॉज कर सकते हैं. और आइदर इट इज अ मे बी जेनेटिक. देर इज नो नॉन क्योर ऑफ एपिलेप्सी बट मेडिसिन कैन कंट्रोल द सीजर्स. पेशेंट्स ऑफ एपिलेप्सी हैव टू टेक मेडिसिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ द सीजर. दीज आर टर्म्ड एज एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. यानी कि इसको जस्ट थ्रू द हम मेडिसिन जो है वो इन सीजर को कंट्रोल कर सकते हैं. और जो ड्रग्स वो यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नंबर फर्स्ट, प्रोसेसेस दैट कैरी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड. यानी कि जो प्रोसेस जो है जिसके थ्रू नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो है वो कैरी की जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सॉन्स. एक्सॉन्स क्या करते हैं? दे कैरी द नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. नंबर टू, द पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज इनवॉलंटरी इन एक्शन. कौन सा पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलंटरी इन एक्शन है? दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सी ऑप्शन इज राइट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. Which neurons are present inside the central nervous system?
इंटर न्यूरॉन्स ओनली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसेस एंड द मेमोरी इज सेरिब्रम. सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल मूवमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसेस एंड मेमोरी. नंबर 5, अपार्ट फ्रॉम हियरिंग, वट अदर मेजर बॉडी फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द ईयर. यानी हेयरिंग के अलावा कौन सा मेजर बॉडी फंक्शन जो है वो थ्रू ईयर हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज बॉडी बैलेंस. द माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय डैश विच रैप अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ सम न्यूरॉन्स. माइलिन शीथ जो है वो किससे बनती है, विच इज रैप अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ सम न्यूरॉन्स, दैट इज मेड अप ऑफ श्वान सेल्स. नंबर 7, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन. पॉन्स, पॉन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन. एट, इफ यू लुक एट एन इंटैक्ट ह्यूमन ब्रेन, वट यू सी द मोस्ट इज अ लार्ज हाईली कॉन्वोल्यूटेड आउटर सरफेस, दिस इज द सेरिब्रम. लार्ज हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस जो है वो सेरिब्रम की होती है. नंबर 9, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर प्रोड्यूस्ड इन द पैनक्रियास. नंबर 10, ऑल ऑफ दीज आर हार्मोन्स एक्सेप्ट, यानी कि सब हार्मोन्स हैं एक्सेप्ट 10. एमसीक्यू नंबर 10, पेप्सिनोजिन के अलावा इंसुलिन, ग्लूकागोन, थायरॉक्सिन आर ऑल हार्मोन्स. नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस. नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कौन सी हो रही है. देर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट द नर्व इम्पल्सेस. केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम. नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मोड्स ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इट इज ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, वाइल केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इट इज ब्रॉट अबाउट बाय द एंडोक्राइन सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज 5 कंपोनेंट्स. अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज 5 कंपोनेंट्स, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स. नंबर 4, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स एक्शन, समटाइम्स द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाई द CNS इज वेरी क्विक. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, समटाइम्स द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाई द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेरी क्विक. सच अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. और वट इज रिफ्लेक्स आर, द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्सेस फॉर प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर. नंबर 5, ट्रेस द पाथ ऑफ अ नर्व इम्पल्स इन केस ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन. तो आपने जो रिफ्लेक्स एक्शन की डायग्राम में जो पाथवे आपका मेंशन है ऑन पेज नंबर 41, डायग्राम नंबर 12.6, द पाथवे फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्स एक्शन. डिस्क्राइब द पीपल रिफ्लेक्स इन डिम एंड ब्राइट लाइट. अब डिम एंड ब्राइट लाइट में पीपल रिफ्लेक्ट क्या है, द साइज ऑफ पीपल इज एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ आयरिस. पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट इन ब्राइट लाइट when the circular muscles of iris contract. Similarly, pupil dilates in dim light when the radial muscles of iris contract. Question number 7, how would you associate the role of vitamin A with VN and effects of its deficiency on retina? Body synthesizes
rhodopsin from vitamin A, and that is why the deficiency of vitamin A causes poor night vision. This problem is called night blindness. Define the term hormones and endocrine system. Endocrine system. These glands are ductless and release their secretions, yani hormones, directly into bloodstream. Blood carries the hormones to target organs or tissues upon which they act. Or what is hormone? Hormone is a specific messenger molecule synthesized and secreted by an endocrine gland. Now, understanding the concept, explain what can happen if there is no coordination in the activities of organisms. यानी अगर activities of organism में कोई coordination ना हो, तो what can happen? If life activities are not coordinated, the body will not work as one unit, which necessary for the survival of a living organism. Question number 2. Explain the location and function of these parts of brain. Cerebrum, cerebellum, pituitary gland, thalamus, hypothalamus and medulla oblongata. If you see in the nervous system, तो हर पॉइंट में मैंने आपको इनकी लोकेशन जो है वो हाईलाइट करवाई है, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन पार्ट्स. तो हर पार्ट की आपने लोकेशन और उसका फंक्शन जो है वो मेंशन करना है. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरल न्यूरॉन. डिफाइन न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरल न्यूरॉन. Go to page number 35. On page number 35, there is the answer of the structure of a general neuron. On page number 35, describe the structure of human eye. Go to page number 42. Go to students, go to page number 42, the structure of human eye. This is the structure of human eye. आपने complete structure, outer layer, inner layer and middle layer, ये तीनों आपने यहाँ तक. This is the structure of eye till यहाँ तक. Now, next question is, how would you describe the structure of external, middle and inner ear of man? Go to page number 45. The structure of inner ear, middle ear and inner ear. This is complete. आपने ear का topic लिखना है, external ear, middle ear and inner ear. Now our next question is, what are short sight and long sight problems and how can these be treated? Go to page number 44. Page number 44 of your book. These are the disorders of eye, myopia and hypermetropia. Yeah, ye aapne complete jo hai with diagrams jo hai wo write down. Now, question number 7, explain the role of ear in the maintenance of balance. Go to page number 47. Ears maintains the balance of body. Is heading ko aapne completely describe karna hai. On page number 47, heading hai, ear maintains the balance of body. Question number 8, relate the contribution of Ibn al-Hazm and Ali ibn Isa with knowledge about the structure of eye and treatment of various ophthalmic diseases. Go to page number 44, contributions of Muslim scientists. Last mein heading hai, last three lines mein contributions of Muslim scientists till page number 45. दोनों साइंटिस्ट को आपने कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है. क्वेश्चन नंबर 9, आउटलाइन द मेजर ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियास, एड्रीनल, गोनेड्स विद नेम ऑफ देयर हार्मोन एंड देयर फंक्शन. आपने इन तमाम ग्लैंड्स के हार्मोन्स नेम लिखने हैं
और साथ ही उनके फंक्शंस भी डिस्क्राइब करने हैं। इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम पेज नंबर 48 टू पेज नंबर टिल 50। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब नेगेटिव फीडबैक विद रेफरेंस टू इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन। गो टू पेज नंबर 51। फर्स्ट पैराग्राफ है इसका नेगेटिव फीडबैक, ये कंप्लीट पैराग्राफ आपने लिखना है, इसी में इसकी एग्जांपल भी है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन हाउ एड्रेनालिन मे बी इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज एंड इमरजेंसी कंडीशंस। हाउ एड्रेनालिन इन्वॉल्व इन, गो टू द आंसर ऑफ, आपने हार्मोन्स का ही पेज ओपन करना है, एड्रिनल ग्लैंड्स ओपन करने हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स में इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि हाउ एड्रेनालिन जो है इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज एंड इमरजेंसी सिचुएशन, ऑन पेज नंबर 49, एड्रिनल ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, इनलिस्ट द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी। आपने पेज नंबर 52 पे दोनों पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी कंप्लीट, पेज नंबर 52 कंप्लीट इसका आंसर है, वो आपने मार्क कर ले और उसको लर्न करना है। दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 12। डू योर लर्निंग्स प्रॉपरली। अल्लाह हाफिज़।